ग्रामीण डाक सेवकों की आठवें दिन भी हड़ताल जारी, अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। विजेतरवा जयमल जैन आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान संस्कार शिविर संपन्न, गृह मंत्री और सामाजिक अधिकारिता मंत्री ने की शिरकत। कार्यवाहक जिम्मेदारी के बोझ तले संभल रहा है ब्यावर, एसडीएम व सीआई के मुख्य पद पर अधिकारी की दरकार। और सदर थाना पुलिस ने लग्जरी कार से पकड़ी 2 लाख की अवैध शराब, उधर खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विजेतरवा जयमल जैन आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान संस्कार शिविर मंगलवार को धूमधाम से संपन्न हुआ है। जिस संस्कार शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया और सामाजिक अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी और पूर्व सांसद खादी ग्रामोद्योग चेयरमैन जसवंत बिश्नोई ने शिरकत की। शिविर के प्रारंभ में जैन संत मुनियों ने शिविरार्थियों को संस्कारों की सीख देकर पिछले 15 दिनों के भीतर दी गई शिक्षा से जुड़ी जानकारियां पुनः हासिल की। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कटारिया ने जैन संतों का आशीर्वचन लिया। उसके बाद जैन समाज के सदस्यों द्वारा कटारिया व चतुर्वेदी सहित अन्य अतिथियों का माल्यार्पण व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में विहिप के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर शर्मा ने भी शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विहिप मंत्री शर्मा ने शिविर की प्रशंसा करते हुए संस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों की सराहना की और जैन संतों को नमन करते हुए उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा के लिए बधाई दी। उन्होंने इस पुनित कार्य के लिए चुनी गई आशापुरा माता धाम की जमीन के लिए भी समाज सदस्यों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर सामाजिक अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भी संबोधन देते हुए पश्चिमी सभ्यता पर कटाक्ष करते हुए ऐसे संस्कार शिविरों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्कार शिविर ही है जो आगामी पीढ़ी को पश्चिमी सभ्यता के डंग ढंग से बचा सकते हैं। उन्होंने भ्रूण हत्या को पाप बताते हुए नारी के सम्मान वाले भारत देश में ऐसी क्रूरता पर चिंता जाहिर की। चतुर्वेदी ने स्वयं के स्तर से ऊपर उठकर पहले देश और समाज के विकास की सोच रखने वाले लोगों को इसी संस्कार शिविर की योग्यता बताया। उन्होंने कहा कि जैन समाज ने संपूर्ण समाज की चिंता करते हुए उसके विकास का संदेश प्रसारित किया है। उन्होंने आम नागरिक द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता जताई। आमजन द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया। हम कह सकते हैं कि आज के समय में अगर कहीं चिंता कहीं आई है, ये जो भौतिकवाद के युग में पूरी तरह दौड़ने के होड़ लगी हुई है कि कौन कब से कौन कब कितना अधिक अगर पश्चिमी सभ्यता के पीछे दौड़ता है, ये होड़ जो चल रही है उसमें निश्चित रूप से इस शिविर के माध्यम से हम नई पीढ़ी को एक संस्कार देने का काम कर सकते हैं। इस मौके पर संस्कार शिविर में अपना सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। उसके पश्चात गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने संबोधित करते हुए कहा कि संस्कार शिविर के 75 वर्ष पूर्ण होना बड़ी उपलब्धि है। कटारिया ने कहा कि उन्होंने भी 10 साल तक ऐसे संस्कार शिविरों के माध्यम से संस्कार प्राप्त किए हैं। इसलिए पत्थरों से भगवान को गढ़ना आसान है, लेकिन संस्कारित करना सबसे कठिन कार्य है। उन्होंने कहा कि संतों के आश्रय और दर्शन मात्र से जीवन को जीना सीखा जा सकता है। टीवी और मोबाइल के युग में शिविर को संभालना मुश्किल कार्य है, लेकिन संस्कार शिविर के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने का यह प्रयास सराहनीय है। कटारिया ने कहा कि देश के कई स्थानों से बच्चों को एक स्थान पर लाकर शिक्षा देना एक नई सोच और शिक्षा देता है। इसके अलावा बच्चों को अभिभावकों द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे शिविरों में उपस्थित करवाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने बारे में बोलते हुए स्वयं को श्रावक बताया और कहा कि उन्होंने श्रावक धर्म निभाते हुए ही राजनीति की है, ताकि वो कभी कमजोर नहीं पड़े और कभी जीवन में भटके नहीं।
इन वेश में रहते हुए भी एक सन्यासी से भी ज्यादा कठोर जीवन जी करके जो व्यक्ति बैठा है वो हमारे साथ बैठा है, इसलिए आपको शायद एहसास नहीं हो रहा। बाकी ये कोई आचार्य और सबसे कम नहीं है उमा शंकर जी भाई साहब, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया। आज अगर ब्यावर में ये प्रोजेक्ट खड़ा है तो इस व्यक्ति के परिश्रम और इसकी जिस प्रकार का समर्पण वहाँ है उस पार से खड़ा है। सर्वा संस्कार शिविर है, मैं सोचता हूँ कि लगातार किसी शिविर को चलाना, उसमें विघ्न न आना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ जिन बंधुओं ने भी इस बात को यहाँ तक पहुँचाने का जो श्रम किया, परिश्रम किया, जिन गुरुओं ने भी हमको आशीर्वाद देकर इस काम को हमें लगाया, सच में वो सबसे ज़्यादा अभिनंदनीय वंदनीय है कि 75 साल तक लगातार अपने संपूर्ण भारत के बच्चों को हमारा दर्शन क्या है, हमारा जीने का तरीका क्या है, हम हैं क्या, इस बात को पहचानने के लिए एक आपने इन बच्चों को जो अवसर दिया। मैं आज आप सही कह रहा हूँ कि अगर उमा शंकर जी भाई साहब ने ये समर्पण किया ना तो हम भी ऐसे ही संघ के शिविर में, उन दिनों में 28 दिन का शिविर लगता था, मैं भी उन्हीं में गया हूँ, मैंने भी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष सब किया 10 साल तक। कटारिया के संबोधन के बाद जन समाज के सदस्यों ने आगामी शिविर की तैयारी से भी अतिथियों को अवगत करवाया। इस दौरान आगामी शिविर के लिए दिए जा रहे सहयोग के चलते भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने भी अपने संबोधन में जैन संतों को नमन कर संस्कार शिविर की प्रशंसा की और जैन समाज के सदस्यों को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के समापन के बाद गृह मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने संतों का आशीर्वाद लेकर विदा ली। आयोजन स्थल के बाहर कटारिया ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उसे देश में विफल पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार पर वोट बटोरती रही है, लेकिन अब देश में विकास के नाम पर भाजपा द्वारा वोट मांगा जाता है। उन्होंने भाजपा सरकार को गरीब की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भारत देश में बनाई गई सभी योजनाएं गरीब को ध्यान में रखकर बनाई गई है। कार्यक्रम के दौरान सभापति अमिता चौहान, मंडल अध्यक्ष जयकिशन बलदुआ, दिनेश कटारिया, महामंत्री ऋषभ खटोर, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष पुरन, राजेंद्र उस्तवाल, महावीर मकाना, जमरीलाल जांगड़ा, अशोक पालडेचा, शांतिलाल डाबरिया, गौतम कोठारी, संपत जैन, अल्केश मुनोत, राजेंद्र कुकोल, महेंद्र बोहरा, धनपत श्रीमाल, प्रकाश मेहता, अर्चना जैन, नीना कोठारी, मेना बोहरा, कंचन नाबरिया, मंजू डूंगरवाल, लीलाबाई खीमसरा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। और एक पुरस्कार आप सभी को प्रदान किए जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी 5वीं थी, आज की तारीख में 12 में उसके मुख्यमंत्री हैं और 9 उसके समर्थित 21 मुख्यमंत्री आज इस पार्टी के साथ हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर समझने की कोशिश करें तो ये समझने के दूसरा हिस्सा देश के प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं बनाई नीचे के आदमी को देखा, गांव को देखा है, गरीब को देखा है, किसान को देखा है, युवा को देखा है, बेरोजगार को देखा है, महिलाओं को देखा है। अब हर योजना का अपना विश्लेषण कोई भी कर सकता है। कांग्रेस के बंधुओं से मेरी प्रार्थना इतना ही, अगर आप कुछ करना चाहें, बहस करना चाहें, तो किसी सार्वजनिक मंच पर 55 साल आपने दिल्ली में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया व सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी के ब्यावर आगमन पर स्थानीय विधायक शंकर सिंह रावत की अगुवाई में ब्यावर टोल टैक्स पर भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं और भाजपा युवा मोर्चा तथा भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने भव्य वाहन रैली निकाली। रैली टोल प्लाजा से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विधायक कार्यालय पहुंची। विधायक कार्यालय पर विधायक द्वारा दोनों मंत्रियों का भव्य स्वागत अभिनंदन समारोह किया गया। विधायक व मंडल सहित सभापति ने दोनों मंत्रियों को 51 किलो की माला पहनाई। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा भी कटारिया को तलवार भेंट कर साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। स्वागत अभिनंदन समारोह के बाद दोनों मंत्रियों ने विधायक के साथ संस्कार शिविर के लिए प्रस्थान किया। सरकार की ओर से पूर्व में किए गए वादों को लागू नहीं करने तथा विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार से अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर शुरू की गई ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रही। हड़ताल के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। डाक सेवकों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से जल्द मांगों पर विचार करने की अपील की। ग्रामीण डाक सेवकों के हड़ताल पर उतर जाने के कारण ग्रामीण डाक क्षेत्र
की सेवाएं चरमरा गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रादि नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है और बेरोजगार युवाओं को अपने प्रवेश पत्र तथा साक्षात्कार पत्र संबंधी पत्रों का इंतजार रहता है। ऐसे में बेरोजगारों तथा पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा नरेगा श्रमिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य डाकघर में अवतरित डाक के ढेर लग गए हैं। मंगलवार को भी हड़ताली कर्मचारियों ने मुख्य डाकघर के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। हड़ताली कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार को चेताया कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के दौरान मंडल सचिव नवल श्रीमाली, कृष्ण दत्त पुजारी, कुशल किशोर फुलवारी, सागर खोरवाल, ओम देवड़ा, सुरेंद्र सिंह, इस्माइल घनश्याम राव, भवानी सिंह सहित अन्य डाककर्मी मौजूद थे। आज हमारे ब्यावर का देशव्यापी हड़ताल का 8वां दिन पूरा हो रहा है और सरकार के प्रति हम हमारे तन के तपड़े उतार कर रोज पटक कर रहे हैं और नदे फूंदे हो चुके हैं। हमारे तपड़े भी हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसका कारण है कि सरकार हमारे प्रति कोई बात करना चाह रही नहीं है। हमारी कमेटी की रिपोर्ट तो पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रही है और हमारे साथ भेदभाव का व्यवहार बनाकर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। नरेंद्र मोदी तो फॉरेन में यात्राओं में इधर उधर की यात्राओं में व्यस्त है, फिर भी हमारे 3 लाख कर्मचारी जो रोड पर आ चुके हैं और अपने अपने डिवीजन में कपड़े उतार कर रोज पटक किया है। हम ब्यावर से सभी को बताना चाह रहे हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो तब तक इस प्रकार से हड़ताल जारी रहेगी। हमेशा से ब्यावर शहर को प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षण केंद्र माना जाता रहा है। नवनियुक्त अधिकारी तथा ट्रेनिंग ले रहे अधिकारियों की पोस्टिंग ब्यावर में करवा कर ही उन्हें नई उपलब्धि मिलती रही है, लेकिन दूसरी ओर ब्यावर में ऐसे हालात भी अधिकतर समय बनते रहे हैं जब शहर में जिम्मेदार पदों पर अधिकारियों को कार्यवाहक पद पर लगकर अपने कर्तव्य की पालना करनी पड़ी हो। वर्तमान में भी ऐसे हालात फिर से दोहराए गए। ब्यावर उपखंड में मुख्य पद माना जाने वाला उपखंड अधिकारी का पद फिलहाल कार्यवाहक जिम्मेदारी के साथ चल रहा है। पूर्व एसडीएम पीयूष समारिया के तबादले के बाद वर्तमान आयुक्त सुखराम खोकर द्वारा ही एसडीएम का कार्यभार संभाला जा रहा है। ऐसे में आयुक्त और उपखंड अधिकारी पद की जिम्मेदारी खोकर पड़ी है। वहीं दूसरी ओर सिटी थाने में थानाधिकारी यशवंत यादव के तबादले के बाद से ही पिछले 4 दिन से थानाधिकारी का पद भी कार्यवाहक जिम्मेदारी के साथ निभाया जा रहा है। पूर्व थानाधिकारी यशवंत यादव के मेड़ता में तबादले के बाद पुलिस अधिकारी कैलाश द्वारा थाने की जिम्मेदारी संभाली जा रही है, जिससे अतिरिक्त भार और व्यवस्थाओं का बोझ साफ नजर आता है। पहले ही साकेत नगर थाना और स्टाफ की खल रही कमी शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में मुख्य थाना अधिकारी के पद पर कार्यवाहक जिम्मेदारी व्यवस्था का बोझ साबित हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द उपखंड हित में निर्णय लेकर उपखंड वासियों को राहत प्रदान करनी चाहिए। मंगलवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गौरव पथ के जद में आए पेड़ों की कटाई पर रोष प्रकट करते हुए पर्यावरण को बचाने की मांग उठाई है। जिला कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने पेड़ों की कटाई से पूर्व 10 गुना वृद्धि में पेड़ लगाने की अपील की है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहर के विकास के साथ साथ पेड़ों को बचाकर पर्यावरण की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है, इसलिए पेड़ों की कटाई के साथ साथ 10 गुना वृद्धि में पहले पेड़ लगाए जाए, उसके बाद ही पेड़ों की कटाई की जाए। इसके साथ ही उक्त पेड़ों की कटाई के बाद बोली के माध्यम से लकड़ियों को शमशान में दिया जाए, जिससे उसकी उपयोगिता हो सके। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इन पेड़ों की कटाई से पूर्व पेड़ों को लगाने की योजना सार्वजनिक करते हुए कमेटी का गठन कर जिम्मेदारी दी जाए। इस दौरान राधा वल्लभ माहेश्वरी, गुलाब शर्मा, नीलेश बुरट, बाबू चीता, महेश शर्मा, कन्हैया लाल खत्री, मंजीत सिंह हुड़ा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। खबरों में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले 7 दिन से द्वारकाधीश गार्डन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को विश्राम हुआ। कथा के 7वें दिन बरसाना से पधारे महाराज हेमंत कृष्ण महाराज ने कृष्ण सुदामा चरित प्रसंग सुनाया। महाराज हेमंत कृष्ण महाराज ने भागवत कथा के सार का सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का सेतु भागवत कथा है। जीवन में जितनी भक्ति होती है मुक्ति उतनी सरल होती है। सुदामा से परमात्मा ने मित्रता का धर्म निभाया। राजा के मित्र राजा होते हैं रंक नहीं, पर परमात्मा ने कहा कि मेरे भक्त जिसके पास प्रेम धन है वह निर्धन नहीं हो सकता। कृष्ण और सुदामा दो मित्र का मिलन ही नहीं बल्कि जीव ईश्वर तथा भक्ति और भगवान का मिलन था, जिसे देखने वाले अचंभित रह गए थे। आज मनुष्य को ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। सेवा के द्वारा ही व्यक्ति महान बनता है। व्यक्ति जब सेवा करता है तो संत बनता है, संत सेवा करता है तब वह भगवान बनता है। कथा के अंतिम दिन आयोजकों द्वारा महाराज हेमंत कृष्ण महाराज का सम्मान किया गया। साथ ही कथा के दौरान सेवा करने वाले सेवा कर्मियों का भी अभिनंदन किया गया। अंत में भागवत जी की आरती उतारकर श्रद्धालुओं ने भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम का संचालन दैनिक निरंतर के संस्थापक राम प्रसाद कुमावत ने किया। आज आप कुछ नाराज लग रहे हैं, आज आप उदास लग रहे हैं। क्यों उदास है आप क्यों उदास हैं? कन्हैया ने रुक्मणी जी को देखा पर नहीं, कोई खास बात नहीं है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। नहीं, बात तो जरूर है क्योंकि इतना उदास तो पहले कभी देखा ही नहीं आपको। मेरे से कोई गलती हो गई क्या? मेरे से कोई गलती हो गई हो तो बताइए ना आप मुझे। आप बताएंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा? आप बताओ तो सही, क्या गलती हुई मुझसे? तो भगवान ने रुक्मणी को गुस्से भरी निगाह से देखा और कहा, रुक्मणी अब एक गलती हो तो बताई जाए ना। तुम तो गलती पे गलती पे गलती पे गलती पे गलती करती हो, बात करती हो क्या गलती हो गई? अब भगवान तो ये चाह ही रहे थे कि रुक्मणी क्रोध करे, रुक्मणी गुस्सा करे। सेंधा रोड स्थित विनायक कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के 7वें दिन कृष्ण सुदामा चरित्र के साथ कथा का विश्राम हुआ। कथा के दौरान कथावाचक शक्तिदेव महाराज ने कहा कि कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता आज कहा है। यही कारण है कि आज भी सच्ची मित्रता के लिए कृष्ण सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। द्वारपाल के मुख से पूछा दीनदयाल के धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुनते ही द्वारकाधीश नंगे पांव मित्र की अगवानी करने पहुंच गए। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर सुदामा में क्या खासियत है कि भगवान खुद ही उनके स्वागत में दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने स्वयं सिंहासन पर बैठाकर सुदामा के पांव पखारे। कृष्ण सुदामा चरित्र प्रसंग पर श्रद्धालु भाविभोर हो उठे। भगवान के चरित्रों का स्मरण श्रवण करके उनके गुण यश का कीर्तन अर्चन प्रणाम करना, अपने को भगवान का दास समझना, उनको सखा मानना तथा भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पण करके अपने अंतःकरण में प्रेम पूर्वक अनुसंधान करना ही भक्ति है। श्री कृष्ण को सत्य के नाम से पुकारा गया। जहाँ सत्य हो वही भगवान का जन्म होता है। भगवान के गुणगान श्रवण करने से तृष्णा समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही महाराज ने कलयुग के अवगुणों के बारे में बताते हुए कहा कि अनीति से कमाए हुए धन में कलयुग का वास होता है और जिसने सारा जीवन उल्टा सीधा कर धन कमाया, अंतकाल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेना यह गलत विचार है। हमेशा जिस भाव का विचार करोगे उसी का अंतकाल में भी स्मरण होगा। लेकिन कलयुग में जो ज्यादा धनवान होगा उसकी ही पूजा होगी, जो ज्यादा दिखावा करेगा उसे विद्वान माना जाएगा। ये सभी कलयुग के अवगुण हैं। कथा के समापन के बाद आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। RSPL लिमिटेड के सौजन्य से सोमवार की शाम मुकाफी कमेटी जामा मस्जिद की देखरेख में रोजा इफ्तारी का आयोजन करवाया गया। जामा मस्जिद परिसर में कंपनी के सहयोग से रोजेदारों को रोजा खुलवाया गया। इफ्तार के बाद रोजेदारों ने नमाज में वतन में अमन चैन एवं खुशहाली की कामना की। इस मौके पर कंपनी के प्रदीप शुक्ला, धर्मेंद्र गुप्ता, श्रीवास तिवारी, औकाफ कमेटी के नायब सदर शब्बीर अल्ताफ, मेवा फरोश सेक्रेटरी शब्बीर अल्ताफ, फिरोज सिलावट, पप्पू पहलवान सहित शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की।
सोमवार देर रात सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2 लाख के अवैध शराब बरामद की। जानकारी के मुताबिक मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर सदर थाना अधिकारी सहदेव चौधरी के निर्देश पर एसआई नूर मोहम्मद ने ब्यावर पीपला टोल नाके पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान हरियाणा से उदयपुर जा रही वरना कार को रोका गया तो कार्रवाई की भनक लगते ही वरना कार चालक और साथी मौके से कार को छोड़कर फरार हो गए, जिनका पीछा करते हुए पुलिस ने दोनों को ब्यावर खास से गिरफ्तार कर लिया। कार की तलाशी के दौरान कार में से 38 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद की गई। एसआई इंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि हरियाणा के नारनौल से अवैध शराब की सप्लाई एक लग्जरी कार में की जा रही है, जिसके तहत हर कार पर गहनता से नजर रखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान एसआई नूर मोहम्मद, कांस्टेबल गोकुल राजाराम तथा प्रेम सिंह मौजूद थे। कल 28/5/2018 को जब गाड़ी गश्त में जा रही थी, तब एक सूचना मिली कि वरना गाड़ी है RG 27 CC 99 99 जो अवैध शराब से लेके आ रही है। नाकाबंदी करने लगे तो ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ के ब्यावर पास की तरफ मोड़ लिया। पीछा किया तो ब्यावर पास के आसपास पकड़ लिया उसको। पकड़ने के बाद उसको चेक किया तो उसमें 38 पेटी हरियाणा ब्रांड मिली। दो आदमी पकड़ लिए, दोनों आदमी अदवास गांव के हैं, उदयपुर के, ईश्वर सिंह और एक का नाम है नाथू कलाल। दोनों को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया और शायद कोर्ट में पेश कर लिया। दारू की कीमत करीब 1,25,000 रुपये। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने मंगलवार को 4 ट्रैक्टर, 1 JCB और कंप्रेसर जब्त किया। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के रहमान खेड़ा पिलानी गांव में अवैध खनन की सूचना पर खनन विभाग अधिकारी जयदीप माही के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा मौके पर दबिश देकर मौके से ट्रैक्टर, जेसीबी और कंप्रेसर को जब्त किया गया। कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध खननकर्ता मौके से फरार हो गए। अधिकारी जयदीप माही ने बताया कि अवैध खनन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। जब्त वाहन तथा उपकरणों को सदर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अब मामले के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। आज सवेरे अवैध खनन और निर्गमन की चेकिंग के दौरान निकट पिलानी गांव के 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 कंप्रेसर और 1 JCB को अवैध खनन में लिप्त होने पर उनको जब्त सरकार किया गया और पुलिस थाना सदर ब्यावर लाकर खड़ा कराया गया, जिसमें अग्रिम कार्रवाई अभी की जा रही है। नियमानुसार पेनल्टी जमा नहीं करवाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जल्दबाजी में एक्सप्रेस ट्रेन से उतरना एक बुजुर्ग महिला को भारी पड़ गया। ट्रेन से गिरने से गंभीर घायल बुजुर्ग महिला को राजकीय मृतकों चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक अस्त राजोरा गली अजमेर निवासी 75 वर्षीय सीता देवी मंगलवार को रानीखेत एक्सप्रेस से ब्यावर के लिए रवाना हुई। बुजुर्ग महिला को छावनी स्थित साईनाथ मंदिर में आयोजित पूजा अर्चना में शामिल होना था। रानीखेत एक्सप्रेस के ब्यावर पहुंचने पर बुजुर्ग महिला को ब्यावर आगमन का पता नहीं चल सका। इस दौरान गहलोत पुलिया के समीप से गुजरती ट्रेन के दौरान महिला को ब्यावर आने का पता चला तो महिला ने चलती ट्रेन से आनंद फानन में उतरने का प्रयास किया। इस दौरान बुजुर्ग महिला का पैर फिसल गया और वह ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी मिलने पर सूचना पर पहुंची GRP थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय मृतकों चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। आज के सुबुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ग्रामीण डाक सेवकों की 8वें दिन भी हड़ताल जारी, अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। विजेतरवा जयमल जैन आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान संस्कार शिविर संपन्न, गृह मंत्री और सामाजिक अधिकारिता मंत्री ने की शिरकत। कार्यवाहक जिम्मेदारी के बोझ तले संभल रहा है ब्यावर, SDM व CI के मुख्य पद पर अधिकारी की दरकार।
और सदर थाना पुलिस ने लग्जरी कार से पकड़ी 2 लाख की अवैध शराब। उधर खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई।